जी स्टूडेंट्स, अभी जो टॉपिक है मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो मेन टॉपिक है एआई का, ठीक है। और इसको कहते हैं नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग। आल तो इसका ओवरव्यू मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन अभी ये इन डिटेल हम इसको देखेंगे कि ये नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग इसका क्या कॉन्सेप्ट है। हम इसको समझने के लिए मैं डिफरेंट इसको स्टेप्स में डिवाइड करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले तो आप समझें कि हमने एआई को किस तरह से डिस्क्राइब किया था, ठीक है। जैसे यहाँ पे है कि अ डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इज द स्टडी एंड डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम्स दैट डिमोन्स्ट्रेट इंटेलिजेंट बिहेवियर। अब ये यहाँ पे डेफिनेशन को दोबारा इंक्लूड करने का मकसद ये है कि हम नॉलेज रिप्रेजेंटेशन को समझ सकें, ठीक है। नॉलेज को रिप्रेजेंटेशन है क्या, इसको समझ सकें। तो यहाँ पे अगर एक दफा गौर से आप देख लेंगे क्या है द स्टडी एंड डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम दैट डिमोन्स्ट्रेट इंटेलिजेंट बिहेवियर, ये हमारे पास एआई है। तो इस डिस्क्रिप्शन की बेस पे फिर हम नॉलेज रिप्रेजेंटेशन और रीजनिंग को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी बेस पे जो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग है वो क्या है, द स्टडी ऑफ वेज, द स्टडी ऑफ वेज टू रिप्रेजेंट एंड रीजन विद द इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू अचीव इंटेलिजेंट बिहेवियर। मैं दोबारा से एलेबोरेट करने लगा हूं। यहां से हमने देखा कि इंटेलिजेंट बिहेवियर इंटीग्रल पार्ट है एआई का, ठीक है। तो इसी की बेस पे मैं आपको नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग डिफाइन कर रहा हूं कि इंटेलिजेंटली बिहेव करने के लिए जरूरी है कि हम नॉलेज एक हमारे पास हो और फिर हमें उसको रिप्रेजेंट करने का वे आता हो और फिर हम उसे रीजनिंग जब जनरेट करेंगे तो वो एक इंटेलिजेंट बिहेवियर होगा, ठीक है। तो इसकी बेस पे नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग है क्या, यानी द स्टडी ऑफ वेज टू रिप्रेजेंट एंड रीजन विद द इंफॉर्मेशन। जैसे यहाँ पे इंटेलिजेंसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द स्टडी एंड डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम दैट डिमोन्स्ट्रेट इंटेलिजेंट बिहेवियर, ठीक है। इसी तरह द स्टडी ऑफ वेज टू रिप्रेजेंट एंड रीजन विद द इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू अचीव इंटेलिजेंट बिहेवियर, यानी इस ये जो हमारे पास नॉलेज रिप्रेजेंटेशन है इसमें हमने क्या चीज स्टडी करनी है, हमने स्टडी करना है कि जो हमारे पास अवेलेबल नॉलेज है उसको अपने सिस्टम में, मशीन में हमने रिप्रेजेंट कैसे करना है ताकि हम उससे रीजनिंग करते हुए इंटेलिजेंट बिहेवियर शो कर सके, ठीक है। तो ये नॉलेज एंड रिप्रेजेंटेशन की डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे आपको बताई, ठीक है। अभी वही कंटिन्यू है। सो व्हाट इज नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग, ठीक है। जैसे पहले था व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, उसी तरह अब व्हाट इज नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है, उस डिस्क्रिप्शन को देख लें और उसके बाद जो है इसकी कुछ यहाँ पे डेफिनेशन है। तो मैं ये वाली जो डिस्क्रिप्शन है इतनी इसको स्किप करके मैं सीधा यहाँ पे नॉलेज एंड रिप्रेजेंटेशन की फॉर्मल डेफिनेशन पे आपको लेके जा रहा हूँ कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग है क्या। सो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग फोकसेस ऑन द नॉलेज, ठीक है। यानी जो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग है ये फोकस करती है नॉलेज पे, नॉट ऑन द नॉर। यानी हमने प्रीवियसली देखा कि इंटेलिजेंट बिहेवियर शो करने के लिए जरूरी है कि हम ह्यूमन को स्टडी करें, जो ह्यूमन की साइकोलॉजिकल अप्रोच है उसको हम स्टडी करें, ठीक है। तो जो इंटेलिजेंसी है वो एक्चुअली फोकस कर रही है किसके ऊपर, जो हमारा ऑब्जेक्ट है जो ह्यूमन है उसके ऊपर, ठीक है। लेकिन जो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन और रीजनिंग है वो फोकस किसके के पे कर रही है, नॉलेज के ऊपर, कि नॉलेज जो है उसके ऊपर उसका फोकस होना है, नॉट ऑन द नॉर जो जानता है, यानी जो ह्यूमन है उसके ऊपर नहीं है,
जो उसका नॉलेज है उसके ऊपर इसका फोकस है. वी आस्क व्हाट एनी एजेंट, कि कोई भी जो एजेंट है वो ह्यूमन हो सकता है, वो एनिमल हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो सकती है, वो मैकेनिकल हो सकता है, कि कोई भी जो एजेंट है उसको किस चीज की जरूरत है. वुड नीड टू नो टू बिहेव इंटेलिजेंटली, यानी उसको इंटेलिजेंटली बिहेव करने के लिए किस चीज की जरूरत है, ठीक है. एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ कंप्यूटेशनल मैकेनिज्म माइट अलाउ इट्स नॉलेज टू बी मैनिपुलेटेड. एक दफा नॉलेज आपने स्टोर कर लिया, एक दफा नॉलेज से हो गया, तो फिर उसको मैनिपुलेट करने के लिए, उससे नए नॉलेज को जनरेट करने के लिए ऐसे कौन कौन से मैथमेटिकल मॉडल हमें रिक्वायर्ड होंगे जिनके थ्रू हम उस नॉलेज की मैनिपुलेशन कर सकें. तो अब अगेन आप इसको जरा गौर से, मैं आप लोगों को भी ये कहूंगा कि आप भी इसको स्टडी करें मेरे साथ, एक दफा फिर देख लें कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन और रीजनिंग फोकसेस ऑन द नॉलेज. इसका फोकस है नॉलेज के ऊपर, नॉट ऑन द नोअर, जो जानने वाला है उसके ऊपर नहीं है. फिर उसी के साथ हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम चीज ये चीज आस्क करते हैं कि किसी भी एजेंट को खा वो ह्यूमन हो, वो एनिमल हो, वो इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल मशीन हो, उसको किस नॉलेज क्या जानने की जरूरत है इंटेलिजेंटली बिहेव करने के लिए, ठीक है. और व्हाट सॉर्ट्स ऑफ कंप्यूटेशनल मैकेनिज्म माइट अलाउ इट्स नॉलेज टू बी मैनिपुलेटेड. तो ऐसे कौन से जो हमारे पास मैथमेटिकल मॉडल है जो जरूरत पड़ेगी हमें स्टडी करने के लिए, कि उसको मैथमेटिकल मॉडल को, ताकि वो उस अपने नॉलेज को मैनिपुलेट कर सके.